इम्प्लिसिट फंक्शंस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2017, वेरिएंट 3-1। द क्वेश्चन इज ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं यहाँ पे एक्स, दो वेरिएबल एक्स और वाई जो है वो मिक्सअप होके आ रहे हो, और वी आर अनेबल टू मेक वाई द सब्जेक्ट। यहाँ से वाई को सब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। ये देखें आप, ये फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है 2x4 प्लस x³ प्लस y4 इज इक्वल टू 10। यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, यहाँ से y को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि y दो टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस कर्व का, dy ओवर dx शो करना है कि dy ओवर dx इज दिस -8x³ प्लस y³ ओवर 3xy² प्लस 4y³। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करके तो ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन ये हमने शो करना है। फंक्शन इज, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 2x4 प्लस xy³ प्लस y4 इज इक्वल टू 10। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ईच साइड। हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है जो दोनों साइड को करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग ईच साइड। डिफरेंशिएट ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये एक्स, तो एक्स की डिफरेंशिएशन तो वैसे ही हो जाएगी, लेकिन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल तो वही लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, लेकिन साथ आपने डी वाई ओवर डी एक्स लिख देना है तो उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगी। तो हम फर्स्ट टर्म को करते हैं, फर्स्ट टर्म इज 2x4, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 8, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 8 वेरिएबल की 1 डिग्रीज हो जाएगी, तो ये 8x³ आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म में प्रोडक्ट है एक्स और वाई क्यूब का, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यू बी डैश प्लस वी यू डैश। तो सो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि तो यहाँ पे दो टर्म्स आनी है, फर्स्ट टर्म ये यू को हम वैसे लिख, एक्स को वैसे लिखेंगे ये यू है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन उसी तरह होगी कि 3 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3y² और साथ आपने क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स लिख देना है, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस अब हम क्या करेंगे, वाई क्यूब को हम वैसे लिख देंगे, वाई क्यूब को वैसे लिखेंगे और डिफरेंशिएशन लेंगे एक्स की, दैट इज 1। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टर्म इज वाई, ये यहाँ पे यू प्रोडक्ट टू लग गया, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अभी हमने सेकंड टर्म पे प्रोडक्ट टू लगा के ये डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट है प्लस y4, तो इस पे भी वही रूल लगेगा, 4y³ साथ dy बाई डी एक्स लिख देंगे, 4y³ साथ dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि 10 जो है वो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगी। ये डिफरेंशिएशन हो गई है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लें इसको,
डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये आ जाएगा 8x³ + 3xy² (dy/dx) + (y³) + (4y³) (dy/dx) = 0। Now we will take common dy over dx from this term and this term. dy over dx को common ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy over dx common within bracket 3xy² + 4y³ इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वाई क्यूब और 8x³, इनको हम राइट पे ले जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको ब्रैकेट को राइट पे ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आ जाएगा माइनस 8x³ - y³ (3x²) + 4y³। इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखें आप माइनस जो है वो कॉमन लिया हुआ है यहाँ से ऊपर न्यूमिरेटर में से माइनस का साइन जो है वो कॉमन आ जाता है, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 8x³, ये साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8x³ + y³ (3xy² + 4y³) तो ये शो हो गया, ये हमने शो करना था, ये क्वेश्चन डी वाई वो डी एक्स हमने शो कर दिया उस फॉर्मेट में। Next part of this question is, hence show that there are two points on the curve at which the tangent is parallel to x-axis and find the coordinates of these points. अब हमने उस curve के ऊपर दो tangent है, शो दैट देर आर टू पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x-axis, उस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं जिन पे टेंजेंट ड्रा करें तो वो बिकम्स पैरेलल टू x-axis हो जाता है, वो उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पैरेलल टू x-axis, टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis का मतलब होता है x-axis, टेंजेंट एक लाइन होती है पैरेलल टू x-axis, मीन कि ग्रेडियंट जीरो होता है, क्योंकि x-axis का ग्रेडियंट जीरो होता है, तो सो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x-axis हो उसका ग्रेडियंट जीरो होता है, तो सो हम ग्रेडियंट को जीरो पुट कर देंगे। ग्रेडियंट अभी हमने फाइंड किया है, ग्रेडियंट था -8x³ + y³ (3xy² + 4y³). ग्रेडियंट को हम जीरो पुट करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा -8x³ + y³ (3xy² + 4y³) = 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो के ये माइनस का साइन भी दूसरी साइड पे जाके, ये माइनस वन एक्चुअली, ये माइनस जो है माइनस वन होता है एक्चुअली, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिनिश हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8x³ + y³ = 0।
यहाँ से हम वाई क्यूब को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वाई क्यूब विल बी -8x³। तो लेफ्ट हैंड साइड वाई क्यूब है और राइट हैंड साइड को एज ए होल क्यूब ले लेते हैं। ये किसका क्यूब होगा? ये होगा -2x का क्यूब। तो क्यूब रूट लेंगे जब हम, तो ये -3 3 से कैंसिल हो जाता है, टेकिंग क्यूब रूट ईच साइड वी गेट y इज इक्वल टू -2x। अब ये y इज इक्वल टू -2x जो है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वी विल पुट दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन इन कर्व इक्वेशन। अब y इज इक्वल टू -2x जो है वो कर्व की इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा। तो कर्व की इक्वेशन है 2x4 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई 4 इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन में वाई इज इक्वल टू -2x, वाई को हम -2x पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x4 प्लस एक्स वाई क्यूब मीन -2x³ प्लस -2x⁴ इज इक्वल टू 10। दिस बिकम्स 2x4, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -8x⁴, ये बन जाएगा प्लस 16x⁴ इज इक्वल टू 10। ऑल द टर्म्स ऑफ x⁴, तो हम इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 10x⁴ इज इक्वल टू 10। फ्रॉम हेयर x⁴ इज इक्वल टू 1। नो टेकिंग स्क्वेयर रूट ईच साइड, आपने इसको एक्स को एक्स इज इक्वल टू ऐसे नहीं करना कि 1 की पावर जो है वो 1/4 हो जाए, आपने ऐसे नहीं करना, वो फोर्थ रूट होता है। तो आपने एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे स्क्वेयर लेंगे, दोनों स्क्वेयर रूट लेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा +-1। दिस शोज दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ये जो है दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वी कैन नॉट टेक स्क्वेयर रूट ईच साइड, ना राइट साइड पे नेगेटिव का साइन है, तो सो वी कैन नॉट टेक स्क्वेयर रूट ईच साइड। तो हम इसको लेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, अगेन टेकिंग स्क्वेयर रूट ईच साइड वी गेट एक्स इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब है हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू +1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। अब हम ये एक्स की वैल्यूज दोनों जो हैं सेपरेटली यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे वाई इज इक्वल -2x में। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल 1 से वाई की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड यहाँ से एक्स -1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। ये है एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट है ये। तो इसको पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि पॉइंट आ गए हमारे पास, पॉइंट्स आ गए 1 -2 एंड -1 2।